व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं वाइकिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नर अपने साथियों के साथ वेसेक्स पहुंच जाता है, जहाँ पे किंग एगबर्ट के सैनिक और वाइकिंग्स मिल के रानी क्विंथरिथ के लिए मर्सिया पे हमला कर देते है और रानी क्विंथरिथ के चाचा ब्रिटुल्फ को हरा देते है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत में हम रानी क्विंथरिथ के भाई बगरेट को देखते है, जो कि अपने चाचा ब्रिटुल्फ की सेना का हाल देखकर काफी डर जाता है। वही नदी की दूसरी तरफ सारे वाइकिंग्स जीत का जश्न मनाते हैं। इसी बीच टॉर्स्टिन को लड़ाई के दौरान हाथ में लगे तीर की वजह से काफी तकलीफ महसूस होती है। टॉर्स्टिन की तकलीफ देख रैग्नर देवी फ्रेया से टॉर्स्टिन के ठीक होने की प्रार्थना करता है। वही क्विंथरिथ रैग्नर से कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे चाचा मारे गए है, इसलिए तुम उनका सर काट कर मेरे पास लेके आओ। अब रैग्नर फ्लोकी को ब्रिटुल्फ का सर लाने भेज देता है और क्विंथरिथ से पूछता है कि तुम्हें अपने चाचा से इतनी नफरत क्यों है। क्विंथरिथ कहती है कि मैं जब छोटी थी तब से लेकर अभी तक मेरे चाचा और भाइयों ने मिलकर मेरा शोषण किया है, इसलिए मैं उन सबसे अपना हिसाब पूरा करना चाहती हूँ। वही फ्लोकी ब्रिटुल्फ के सर को लाके क्विंथरिथ को दे देता है, जिससे कि क्विंथरिथ अपने मन की भड़ास निकाल पाए। उधर बियॉन पोरुन की तारीफ करता है क्योंकि उसने दुश्मन के साथ अच्छा मुकाबला किया होता है। साथ ही बियॉन उसे समझाता है कि आगे से वो लड़ाई के दौरान हमेशा उसके आसपास ही रहे। दूसरी ओर लैगर्था किंग एगबर्ट से पूछती है कि आपने जो हमें जमीन दी है वो आप ही की है या आपने किसी से छीनी थी। किंग एगबर्ट कहता है कि मैंने ये जमीन सैक्सन के किसानों से छीनी थी, लेकिन मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि वो लोग आपको तकलीफ ना दे पाए। वही किंग एगबर्ट लैगर्था से उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछता है, जिसपे लैगर्था किंग एगबर्ट के सवालों का जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ रैग्नर और उसके साथी ब्रिटुल्फ की सेना के कटे हुए सर अपने जहाजों पे लगाते हुए नदी की दूसरी ओर रानी क्विंथरिथ के भाई बगरेट की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख बगरेट और उसकी सेना काफी डर जाती है और वहाँ से वो सब भाग निकलते हैं। वही टॉर्स्टिन के हाथों में जहर बढ़ता ही जाता है और वो काफी तकलीफ में होता है। दूसरी ओर किंग एगबर्ट खेतों की सिंचाई करने अपने कुछ मजदूरों को बुलाता है। किंग एगबर्ट को अपने लिए इतना कुछ करते देख लैगर्था किंग एगबर्ट का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि लैगर्था और रैग्नर का पहले से यही सपना होता है कि वो अपने लोगों को एक खुशहाल और हरी भरी जिंदगी दे पाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट में, जहाँ पे हेलगा सिगी और एसलॉक को बताती है कि कल रात मैंने सपने में एक अजनबी को देखा जो कि बर्फ पे चलते हुए मेरे पास आया। उसकी भाई फैली हुई थी और एक हाथ में बर्फ का जलता हुआ गोला था और दूसरा हाथ खून से लथपथ था। हेलगा का सपना सुन एसलॉग और सिगी कहती है कि यही सपना हम दोनों को भी आया था। अब यहाँ पे तीनों सोच में पड़ जाती है, लेकिन उन्हें इस सपने का कोई संकेत समझ में नहीं आता। दूसरी ओर हिडबे रियासत में काल्फ वहाँ के लोगों को भड़काते हुए वहाँ का नया सरदार बन जाता है। दूसरी ओर लैगर्था अपने लोगों के साथ मिलके वहाँ पे एक बस्ती बनाने की कोशिश में जुटी होती है। वही किंग एगबर्ट आराम फरमाने के लिए लैगर्था और एथेलस्टन को अपने साथ महल ले जाता है। वहाँ खाने की मेज पर एथेलुल्फ की पत्नी जूडिथ एथेलस्टन से उत्तरवासियों और उनकी सभ्यता के बारे में पूछती है। एथेलस्टन कहता है कि वहाँ के देवता ओडिन इस धरती पर सबसे पहले इंसान थे, यानी कि यीशु मसीह से भी पहले, जिनकी एक आंख थी, लेकिन वो हर किसी के मन की बात जानते थे और उन्हें हर एक इंसान के भविष्य के बारे में पता था, और उन्हें भी यीशु की तरह पेड़ से लटकाकर मारा गया था, और ये सब बातें यीशु के जन्म से काफी पहले की है। एथेलस्टन की बात सुन जूडिथ पूछती है कि क्या तुम उनके देवताओं को मानते हो। एथेलस्टन कहता है कि मैं ओडिन और यीशु दोनों को मानता हूँ। वही किंग एगबर्ट लैगर्था को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक हीरे का हार तोहफे में देते हैं। दूसरी ओर कैटेगेट में सिगी एसलॉग और हेलगा को पीर बाबा के मारे जाने का सपना आता है। दूसरी ओर हम मर्सिया में रैग्नर और उसके साथियों को देखते है, जो कि रानी क्विंथरिथ के भाई बगरेट को ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। ये देख रैग्नर बगरेट को ढूंढने की जिम्मेदारी एथेलुल्फ को दे देता है। अब एथेलुल्फ के आदमी जंगल से जा रहे बगरेट के एक सैनिक को बंदी बना लेते हैं और उससे बगरेट के ठिकाने की पूछताछ करने लगते है। वो सैनिक उन्हें बताता है कि राजा बगरेट की सेना ऐश पहाड़ी पे बने लोहे के एक मजबूत किले में छुपी हुई है और वो दूसरी सेना का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनकी मदद करने के लिए आने वाली है। दूसरी ओर हम एथेलस्टन को देखते हैं, जो कि अपने पुराने दिनों को याद करते हुए गिरजाघर के पुस्तकालय में जाता है कि तभी वहाँ पे जूडिथ आ जाती है और एथेलस्टन से कहती है कि मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। एथेलस्टन कहता है कि अब मैं पादरी नहीं रहा। जूडिथ कहती है कि इस वक्त महल के पादरी बिशप यहाँ पे नहीं है और अगर मैंने गुनाह कबूल नहीं किया तो मैं नर्क में जाऊंगी, इसलिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। अब यीशु के सामने जूडिथ एथेलस्टन को बताती है कि कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बिना कपड़ों के एक पराए मर्द के साथ थी और वो आप थे एथेलस्टन।
ये सुन एथेलसन चौंक जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैटेगेट, जहाँ पे फिर से एसलॉक सिगी और हेल्गा को वही सपना आता है जिसमें उन्हें एक जख्मी आदमी दिखाई देता है। वही हम दूसरी ओर सरदार काल्फ को देखते हैं, जो कि आइनार को बताता है कि कल रात उसने सपने में रैग्नर को देखा जो कि उसका कलेजा चीरकर खा रहा था और मैं उसके सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। ये सुन आइनार पूछता है कि क्या तुम रैग्नर से डरते हो। काल्फ कहता है भला ऐसे आदमी से कौन नहीं डरेगा जो कि एक मामूली किसान से बादशाह बना हो। आइनार कहता है पहले तुम भी मामूली ही थे। काल्फ कहता है हाँ, लेकिन मेरे सपने मामूली नहीं है। मैं भी रैग्नर की तरह मशहूर बनना चाहता हूँ और ढेर सारी दौलत कमाना चाहता हूँ जिससे कि सभी मेरे गुण गाए और हमारे देवता ओडिन सदा मुझ पर मेहरबानी बरसाते रहे। उधर मर्सिया में हम वाइकिंग्स को देखते हैं जो कि अपना सिक्कों का खेल खेल रहे होते हैं। वही हम टॉर्स्टिन को देखते हैं, उसका शरीर उस जहर की वजह से सुन्न होता है, इसलिए वो अपने साथी फ्लुकी से गुजारिश करता है कि वो उस हाथ को काट दे जिसपे जहरीला तीर लगा था ताकि उसके शरीर के अंदर वो जहर ज्यादा न फैले। टॉर्स्टिन का दर्द देखकर फ्लुकी उसे मना नहीं करता और अब रैग्नर और फ्लुकी मिलकर टॉर्स्टिन का हाथ काट देते हैं। दूसरी ओर लैगरथा और एथेलस्टन किंग एगबर्ट के महल से वापस खेतों की ओर निकलने लगते हैं। वही एथेलस्टन किंग एगबर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उत्तरवासियों को अपनी रियासत में खेती के लिए जमीन दी होती है। वही एथेलस्टन को महल से जाता देख जूडिथ मायूस हो जाती है क्योंकि अब वो एथेलस्टन को मन ही मन चाहने लगी होती है। जूडिथ का उदास चेहरा देख एगबर्ट समझ जाता है कि जूडिथ एथेलस्टन के प्यार में पागल है, इसलिए वो जूडिथ को एथेलस्टन से दूरी बनाए रखने को कहता है। दूसरी ओर वाइकिंग्स की छावनी में एथेलुल्फ आ जाता है और रैग्नर को रानी क्विंथरिथ के भाई बगरिट के ठिकाने का पता बता देता है जिसपे रैग्नर अपने जाबाजों को तैयार होने का हुक्म देता है। दूसरी ओर कैटेगेट में घने बर्फबारी के बीच हेल्गा को वही शख्स दिखाई देता है जो कि उसके सपने में आया करता था। वो आदमी अपने ऊपर एक चोगा लिपटे हुए हेल्गा के पास आता है और अपने जख्मी हाथ हेल्गा को दिखाते हुए हेल्गा से मदद की गुहार लगाता है। वही दूसरी ओर रैग्नर के साथी टॉर्स्टिन के पास बैठे होते है क्योंकि उनसे टॉर्स्टिन की तकलीफ देखी नहीं जाती। उधर एथेलस्टन के हाथों से खून बहने लगता है, ये देख लैगरथा काफी डर जाती है और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड देख के कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस सीरीज से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो आप मुझे जरूर पूछना। तो मिलते हैं ऐसे बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।